सावन का महीना और सावन के महीने में कांवड़ियों का जलसा। जी हाँ, ये सावन का वो महीना है जिसमें शिव शंकर यानी कि ब्रह्मांड के देवता, जिन्होंने ब्रह्मांड को बसाया, और कैलाश के देवता महा यानी कि महादेव की पूजा जो लोग करते हैं और जो लोग उनको मानते हैं और दिल से चाहने वाले लोग, उनके लिए पैदल चलकर गंगा से कांवड़ लेके आते हैं। कांवड़ का मतलब है कि उसमें वो गंगा का जल भरकर लाते हैं, और आने वाली शिवरात्रि को, जिस दिन शिवरात्रि का दिन होता है, उस दिन शिवलिंग पर उस जल से अभिषेक होता है। उसी के लिए लोग जो कई 200-250-300 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आते हैं, उनमें आस्था होती है एक शक्ति के प्रति, एक भगवान के प्रति, एक ईश्वर के प्रति। उसी के लिए कई लोग उनकी सेवा करते हैं, और उसी सेवा में एक हैं योगेंद्र लाला, जिन्होंने गोपालपुर के पास यानी कि आउटर रिंग रोड के पास आउटर रिंग रोड के पास जिन्होंने कांवड़ का शिविर लगवाया है, और उन कांवड़ियों की सेवा वो बीते कई वर्षों से कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से ये इसका आयोजन करते हैं, और कितने लोग आते हैं, और किस किस तरीके का वो उनको सहयोग करते हैं। सर, स्वागत है आपका। और आप जिस तरीके से ये कांवड़ का शिविर लगवाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इनके लोगों की सेवा करते हैं, क्योंकि लोग 200-250 किलोमीटर दूर से जल उठा के लाते हैं सिर्फ एक आस्था के प्रति। तो इस आस्था में आप भी अपना सहयोग देते हैं, किस तरीके का आपका सहयोग रहता है? हमारा आस्था का सहयोग ये है कि ये लोग हरिद्वार से 250 किलोमीटर, कोई हरिद्वार से ला रहा है, कोई गोमुख से ला रहा है, 600 किलोमीटर चल के लेके आ रहा है। तो हमारी भी इच्छा रहती है कि हम भी कुछ नहीं जा सकते तो उनकी सेवा यहीं पर करें। कब से आप ऐसा कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं जी, कांवड़ का शिविर जो आप लगाते हैं अपने इलाके के आसपास, और ऐसा कब से हो रहा है? ये शिविर हमारा 20 साल चला, 15 साल से हमारे हाथ में है। और जब हमने स्टार्ट किया तो 2 सीलिंग में शिविर चालू किया था हमने। हर साल ये हमारा जो शिविर है, ये हर साल जो 1-2 सीलिंग बढ़ जाता है, 29 से 30 सीलिंग बढ़ गई है। हमारे यहाँ सारा इनके रहने का, खाने पीने का, हर चीज़ का प्रबंध है। सिक्योरिटी पर्पज से हमारे पास सीसीटीवी कैमरे हैं, इनके लिए बाथरूम वगैरह का, नहाने धोने का जो भी प्रोग्राम है, सब चीज़ का अरेंजमेंट हम करते हैं। कितने लोग इस शिविर में आपके ठहरते हैं, कोई अंदाज़ा आपको लगभग कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं? इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। लास्ट के 4 दिन यहाँ पर हम शिविर लगाते हैं। स्टार्टिंग में जो है डेली के 300-500 होते हैं, फिर इसके बाद ये तादाद बढ़ती चली जाती है, 700-2000 ये आते रहते हैं, चलते रहते हैं। टाइम पीरियड कुछ है नहीं, जब इनको आराम करना हो तो जब ये आराम करते हैं बोले, और फिर ये आगे निकल जाते हैं अपने। और किन लोगों का आपको सहयोग मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा शिविर है हमने देखा, और आप आगे भी इसके बारे में बताएंगे? सब लोगों का इसमें हमारे सहयोग है, जितने भी यार दोस्त हैं अपने गाँव के, ये गोपालपुर वाले, सबका सहयोग होता है इसमें, और सबके सहयोग से इतना बड़ा शिविर लगता है। क्योंकि एक आस्था इतनी बड़ी चीज़ है कि उन लोगों को यहाँ तक लेके आती है, और आप भी इस आस्था में कहीं ना कहीं अपना एक सहयोग देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब ये शिविर खत्म हो जाता है, किस तरीके की यादें जुड़ जाती हैं? हर साल कुछ यादें आपके सर, ये आस्था ही तो है कि आदमी जो है 250 किलोमीटर से कितना वजन लेके यहाँ तक आ रहा है। वैसे तो नॉर्मली 5 किलोमीटर कोई चल के तैयार, क्योंकि आस्था ही है, इस आस्था में हम भी अपना थोड़ा सा सहयोग देते हैं। अभी हम आपको इस शिविर के अंदर का कि किस तरीके के इंतज़ाम हैं, और लोग क्या किस तरीके से रुके हुए हैं, और क्या मेन जो इसमें है भंडारे का आयोजन जो होता है, यानी कि एक किचन लगाई जाती है, एक रसोई घर बनाया जाता है, जिसको लेकर जिसमें लोगों का भोजन परोसा जाता है, प्रसाद परोसा जाता है, और हज़ारों लोग रोज़ उसका सेवन करते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से ये लोग जो हैं उसमें भी अपना सहयोग दिखाते हैं, और किस तरीके से वो प्रसाद जो है बनाया जाता है। ये वो एक रसोई बनाई जाती है जिसमें प्रसाद बनाया जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरीके से प्रसाद बनाया जा रहा है, और ये कोई कम संख्या में नहीं, ये 4 दिन तक लगातार बनता है, हज़ारों लोगों को ये परोसा जाता है, और इस प्रसाद में भी एक आस्था है। बात करते हैं कितना प्रसाद यहाँ बनता है और क्या क्या यहाँ बनाया जाता है।
सर ये किचन एक देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारा सामान है, किस किस तरीके का प्रसाद यहाँ बनाया जाता है, किस किस तरीके का व्यंजन यहाँ बनाया जाता है? यहाँ हर तरीके के प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है। यहाँ 24 घंटे किचन ऑन रहती है, 24 घंटे कोई भी कावड़िया किसी भी टाइम आएगा यहाँ उसको खाना अवेलेबल होता है। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और ये जो आप देख रहे हो, शाम को यहाँ पे हमारी स्टॉल लग जाती है भल्ले पापड़ी की, टिक्की की, चौमीन की, जो एक बिल्कुल अलग तरीके की चीज़ आती है, क्योंकि पूरी आलू सब्जी तो हर जगह अवेलेबल होती है लेकिन 5-7 दिन उनको चल चल के ना उनका एक टेस्ट चेंज हो जाता है, तो हमें कोशिश होती है कि उनका टेस्ट चेंज कर दें हम, तो जो हमसे पॉसिबल होता है वो चीज़ें बनवाते हैं। आपको एक अंदाज़ा होगा कि कितने लोग इन 4 दिनों में जो आप लगाते हैं शिविर, इन 4 दिनों में कितने लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं? सर 4-5 दिन में हमारे हिसाब से यहाँ पे 5-7 हज़ार आदमी खाना खा जाता है। मतलब हज़ारों की संख्या में अगर लोग यहाँ खाना खा रहे हैं तो ये एक छोटा कोई टास्क नहीं है, एक बड़ा टास्क है, इसको पूरे अच्छे से बनाना, एक साफ़ सफाई से बनाना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी तैयारी जो चल रही है शाम के लिए, और चाहे तंदूर की बात हो, तंदूर की रोटियाँ मिलेगी आपको, पनीर के व्यंजन मिलेंगे, और कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ पूड़ी और आलू की सब्ज़ी ही प्रसाद में मिले, क्योंकि अभी जिस तरीके से योगेंद्र जी ने बताया कि अलग अलग तरीके के व्यंजन यहाँ पे परोसे जाते हैं, क्योंकि एक अलग सा स्वाद हो, और क्योंकि आस्था उन लोगों की है जो 250 किलोमीटर दूर से इस चीज़ को, कांवड़ को लेके आ रहे हैं, गंगा के जल को लेके आ रहे हैं सिर्फ एक शिवलिंग के लिए, उस शिवलिंग में लोगों की आस्था। आप मेरे देख सकते हैं किस तरीके से रोटी पकाई जा रही है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है कि अगर 1000 लोग भी यहाँ खाना खाने बैठे हैं, प्रसाद खाने बैठे हैं, तो कोई रोटी और सब्ज़ी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फटाफट यहाँ रोटियाँ बन रही हैं, क्योंकि एक ऐसी मशीन लगाई गई है जो आपने एक मेगा किचन्स में देखी होगी, तो उसी तरीके के छोटे मेगा किचन आप ये देख सकते हैं, क्योंकि मेगा किचन का मतलब होता है जो हज़ारों लोगों को खाना परोसे, तो ये भी इन 4 दिनों में हज़ारों लोगों को जो खाना परोसती है, तो इसको भी मेगा किचन ही कहा जा सकता है। आगे की रिपोर्ट इस से जुड़ी